थाना कुतुब शहर पुलिस ने एक बड़े देसी असले बनाने वाली फैक्ट्री की बरामदगी की है। दो हिस्ट्री सीटर बदमाश पकड़े हैं जो असले बना रहे थे। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है थाना कुतुब शहर क्षेत्र के एकता नगर कॉलोनी में एक बंद पड़े घर में, वहां पे असला फैक्ट्री चला रहे थे। भारी मात्रा में बने हुए असले मिले हैं, अगर देखेंगे तो 15 असले बने हुए हैं, तैयार हैं एकदम, काफी भारी मात्रा में बने असले हैं, सामान मिला हुआ है, उपकरण मिला है। अगर इन सामानों को देख ले तो इससे 50 से 60 असले और अभी तैयार किए जा सकते थे। ये इसमें जो तीन अभियुक्त रहे हैं, तीनों थाना कुतुब शहर के हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। सभी पे दो 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 दर्जन, तीन तीन दर्जन के लगभग मुकदमे कायम है। एक इसमें से अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, फरार हो गया है। जो दोनों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों हिस्ट्री सीटर बदमाश हैं और इनसे अभी पूछताछ सुनवाई जारी है। इन्होंने अभी तक असलहों की खेप कहां कहां दी है, किसको किसको दी है, उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। अभी तक से बातचीत से जो इनके इन्होंने बताया है कि चुनाव में असलहों की डिमांड थी, उसके लिए तेजी से काम कर रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे। इसके अलावा असलहों की कीमत के बारे में जब इनको पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जो आधी 12 बोर की है इसको 15 से 20 हजार में बेचते थे और 315 बोर के तमंचे 25 से 30 हजार में बेचते थे। इस प्रकार एक बड़ा गैंग थाना कुतुब शहर को मिला है, बड़ी कामयाबी थाना कुतुब शहर पुलिस को मिली। सर बड़ी कामयाबी है, क्या कुछ इनाम की भी घोषणा? इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से पूरी टीम को 25 हजार रूपये का नगद पुरस्कार उस संवर्धन के लिए दिया गया। सर चुनाव का समय है, क्या ये जो अवैध तैयार कर रहे थे इन्होंने आसपास के शहरों में भी सप्लाई की है। इनसे हम अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उनका भी पूरा चेन बना रहे हैं, उनको भी हम जल्दी ही राउंड अप करेंगे। तो ये चूंकि इस समय हमारा अभियान चल रहा है और इन सब चीजों पे के अपराधों पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी पकड़े जाए ताकि चुनाव सफल शांतिपूर्वक संपन्न हो, उसी दिशा में बड़ी कामयाबी कुतुब शहर पुलिस को मिली।